Today we will start with covalent bond. Covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. Meaning of mutual sharing is कि जो भी एटम बॉन्ड बनाएगा वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी पहले का एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ तो दूसरे का भी एक इलेक्ट्रॉन, या पहले का दो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो दूसरे का दो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका जो कंडीशन होगा, बोथ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नीडिंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. यानी ऐसे जो एटम होंगे दोनों में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा. तो बोथ एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नीडिंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. जनरली नॉन मेटल एटम्स आर यूज्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. यानी नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नॉन मेटल के एटम को यूज करेंगे. इसमें बॉन्डिंग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोवेलेंसी. कोवेलेंसी कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम इन म्यूचुअल शेयरिंग. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम इन म्यूचुअल शेयरिंग. अगर मान लीजिए किसी ने दो इलेक्ट्रॉन यूज किया और किसी और का कुल मिला के चार इलेक्ट्रॉन यूज हो, तो दो इलेक्ट्रॉन जो यूज कर रहा है उसकी वैलेंसी हो गई दो, और जो चार इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया उसकी वैलेंसी हो गई चार के इक्वल. यानी कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग वैलेंसी को डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये एक बार फिर से रीड करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज यूज इन म्यूचुअल शेयरिंग इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी. लास्ट डे भी हम लोगों ने किया था कि जो कोवेलेंसी या जो वैलेंसी है, अगर किसी के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 5 करेंगे तो 3 कोवेलेंसी हो जाएगी. अगर किसी के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, 8 - 7 से 1. लेकिन जिसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना चाहेगा तो उसको कहते थे आयोनिक वैलेंसी. जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन दिखे तो उसको आयोनिक वैलेंसी कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तब उसका नाम है कोवेलेंसी. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. S2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, N2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड.
इनके लिए हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एवब मॉलिक्यूल्स ये आपको दिखाना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एवब मॉलिक्यूल्स ये आपको इंडिकेट करना है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन के दो एटम हैं, इसके बीच में बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो यानी हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम एक डॉट को यूज करते हैं, यानी एवरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय 1 डॉट। हाँ, तो हाइड्रोजन का एक डॉट हो गया, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी एक डॉट बनाए। ठीक है, अब चूंकि हाइड्रोजन के बगल का जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम। हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है? हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस ये हीलियम है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। और याद कीजिए, दो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को कहते थे डुप्लेट। यानी हीलियम का डुप्लेट पाने के लिए हाइड्रोजन को भी डुप्लेट बनाना है। डुप्लेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस केस में दोनों ही हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, ये जो बीच का इलाका है, जो मैथ के हिसाब से इंटरसेक्शन है, कौन सा पार्ट? ये पार्ट देखिए, ये मैथ के हिसाब से इंटरसेक्शन है, जिसमें हमने इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो जो इंटरसेक्शन के जोन में है, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग एरिया। इसको क्या कहा जाता है? ये पोर्शन जो है बॉन्डिंग एरिया है। और बॉन्डिंग एरिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग एरिया के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन को छूने तो उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एरिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एरिया आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिस एरिया में है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर्स। शॉर्ट में इसको BP, बॉन्ड पेयर लिखते हैं। अब वो एरिया जो ओवरलैप का नहीं है, फिर से इस फिगर को हम बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, पहला हाइड्रोजन का सर्कल दिखा है, दूसरा सर्कल हुआ दूसरे हाइड्रोजन का, ये बीच वाला एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको क्या बोले? बॉन्डिंग एरिया। और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहे हैं? बॉन्ड पेयर। बाकी जो इलाका बचा हुआ है, बाकी इलाका जो बचा हुआ है उसको अलग से एक बार शेड पहले समझ लीजिए। अगर बाकी इलाके को अलग शेड से हम लोग दिखाने का कोशिश करें, यानी वापस हम व्हाइट पे ही आ जाए। देखिए इस पार्ट में, ये देखिए इस पोर्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है? देखिए यहां से यहां तक में नहीं है। उसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन का भी ये पोर्शन, इसको अलग से दिखाने का कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा जो है, इस बीच वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये जो हिस्सा है जिसको अभी येलो से, ये बॉन्डिंग एरिया है। बॉन्डिंग एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको छोड़ करके बाकी जो एरिया है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग एरिया, नॉन बॉन्डिंग एरिया।
यानी ये वो एरिया है जिसमें ओवरलैप नहीं हुआ है, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर उस एरिया में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब वैसा ही नॉन बॉन्डिंग वाला दो इलेक्ट्रॉन को चुनिएगा तो उसका नाम हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोल देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्ड में एरिया में है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ, और जो बॉन्ड के एरिया के बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या उसी का नाम क्या है, लोन पेयर। अगर दो दो का पेयर लगा दे तो उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ठीक है। तो बता दीजिए, अगर H2 के मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, यानी हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल, तो H2 में दोनों मिला के एक एक दो ही इलेक्ट्रॉन हुए। पहले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, बॉन्डिंग वाले एरिया में है। और जैसे ही बॉन्डिंग वाले एरिया में है तो बोलेंगे इसके पास एक बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर है। इसके पास क्या है, एक बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर है। तो H2 के मॉलिक्यूल में हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास एक जो है ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और कोई भी लोन पेयर नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट में कहा गया कि जो लोन पेयर वाले हैं उसको तो डॉट के पेयर से दिखाएंगे, लेकिन जो भी बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको मैथमेटिकली एक लाइन सेगमेंट से दिखाना है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी बता दीजिए कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, बोलो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का बेटा लिटरल मीनिंग होता है हिस्सा। लाइन उसको कहते हैं जिसका लिमिट नहीं होता है, इसलिए लाइन में तीर बाएं भी मारते हैं दाएं भी मारते हैं, और ये मानते हैं कि जितना दूर सोचेंगे उतना दूर जाएगा। लेकिन उसी में क्या किए, लाठी, सॉरी, लिए क्या लिए, दबिया, गांव में होता है ना दबिया काटने वाला, नहीं, दबिया का शेप ऐसा होता है, इसमें रहता है धार। देखिए उसी के चचेरे भाई का नाम है गरासा, ठीक है, जो कि मैंने महाभारत और रामायण के सीरियल में राक्षस सबके पास ऐसा नहीं रहता था, गला वाला काटने वाला, ठीक है। तो उससे जो है, जैसे नारियल है, जैसे छठ में जो है रेसा वाला नारियल चढ़ाते हैं जिसके ऊपर है, तो उसको उसको काटने के लिए निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी जो यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं दबिया, उसका नाम जो भी रखा जाए, ठीक है। उसी में पुराने जमाने में उसका नाम होता था फरसा, उसी से हो गया परशुराम, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसको लाइन सेगमेंट से दिखाना है, मतलब लाइन उसको कहते हैं जिसका लिमिट नहीं है। दोनों तरफ तीर मारने का मतलब क्या हो गया, इसको बायां दायां दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी में से हमने यहां से इसको काट लिया तो ये फिक्स हो गया कि नहीं, तो ये ए बी वाला पोर्शन जो है ये फिक्स हो गया, ए बी का लेंथ हो गया फिक्स। तो जिसका लेंथ फिक्स होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो मैंने खंड का मतलब है क्या होता है, टुकड़ा करना, ठीक है। तो दोनों तरफ एक्सटेंड करना जिसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है उसको लाइन कहते हैं, और उसी का जो टुकड़ा है उसी का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये कहा गया कि बॉन्ड पेयर को हम इलेक्ट्रॉन के पेयर के बजाय लाइन के सेगमेंट से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, लाइन, और लोन पेयर वाले को इलेक्ट्रॉन के पेयर से दिखाएंगे। तो H2 के पास एक बॉन्ड का पेयर है और उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए H2 के मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हटा दें, ठीक है, H2 के मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर से देखिए, H का एक एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिला के बॉन्ड बनाना है, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए ये एक ओवरलैपिंग करवा दिए,
ओवरलैपिंग के जोन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड वाला है उसको लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं, तो ये S2 के मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको कहा जाता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? इसका विशेषता क्या है जिसको शॉर्ट में हम LDS लिख लें, तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर की विशेषता क्या है? लुइस डॉट स्ट्रक्चर में फॉर एटम राइट डाउन इट्स सिंबॉल यानी किसी भी एटम का अगर लुइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है? उसका सिंबॉल लिखना है, और सिंबॉल के सराउंडिंग में उतना ही डॉट बनाना है जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एटम राइट डाउन इट्स सिंबॉल प्लेस डॉट्स अराउंड द सिंबॉल प्लेस डॉट्स अराउंड द सिंबॉल और टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही डॉट बनाना है। ठीक है, अगर कैटायन बना है तो उसमें डॉट उतना कम कर देंगे, और एनायन पे जितना चार्ज आएगा उतना डॉट बढ़ा देंगे। यानी एटम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए फिर से समझिए क्या किया गया। एटम का सिंबॉल लिखना है, एटम के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक एक डॉट से दिखाते हैं। नंबर ऑफ डॉट्स जो टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कैटायन को इंडिकेट करने के लिए एटम में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतना डॉट हटा देना है, और एनायन को लिखते समय जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देना है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिथियम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो एटॉमिक नंबर 3 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? 2-1। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। तो ऐसे लिथियम का सिंबल बनाइए, अपने मन से इसके बगल में एक डॉट बनाइए। अब डॉट पतला मोटा कैसा बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये लिथियम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसके बजाय आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बताइए, करण बताइए ऑक्सीजन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और 8 में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 6, तो ऑक्सीजन का सिंबल डालिए और इसके सराउंडिंग में कुल मिलाकर के 6 गो डॉट बनाना है। उसी तरह से मान लीजिए आपको लिखना है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 और 7 का, तो क्या करेंगे? F का सिंबल लिखिए और उसके सराउंडिंग में गिन करके टोटल 7 डॉट बनाना है। यानी किसी भी एटम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखते समय उस एटम का सिंबल लिखना है, और उस सिंबल को लिखने के बाद उसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ डॉट्स उतने ही रखने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स उतने ही रखते हैं जितना कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर बोले नाइट्रोजन का लिखना है, बोलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कीजिएगा? 2-5। तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन का सिंबल हो गया N, और उसके सराउंडिंग में कैगो डॉट बनाना है? 5। तो इस तरह से नाइट्रोजन का सिंबल ऑक्सीजन का किसी भी एटम का लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कीजिए। हो गया। अगला देखिए, लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ केटायन। बोलिए केटायन कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सबसे पहले एटम का लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, और एटम से जितने इलेक्ट्रॉन हटा करके केटायन बनाए गए हैं उतना ही डॉट हटा देना है, उतना ही डॉट
हटा देना है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये हो गया 281। सिंबल के लिए क्या कीजिएगा, सोडियम का सिंबल लेकर के एक डॉट बना देना है, ठीक है। लेकिन यही सोडियम जब Na प्लस में कन्वर्ट हुआ तो ये 28 हो गया। अब बताइए, इसके पास पहले एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na प्लस लिखेंगे और इसके सराउंडिंग में कोई भी डॉट नहीं है। कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा होशियार हैं वो बोलते हैं कि ना अब इसके पास 8 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो Na प्लस के पास 2, 4, 6 और 2, 8, ऐसे लिखना गलत है। क्योंकि हमेशा क्या करना है, एटम से जितना चार्ज आया है उतना डॉट हटाना है, एटम से जितना चार्ज लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं उतना डॉट हटाना है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम, ये क्या है 283। अगर हाइपोथेटिकली हम Al प्लस आयन बनाए तो ये क्या हो गया 282। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के Al प्लस 2 बनाए तो क्या लिखना पड़ेगा 281। और एक और इलेक्ट्रॉन हटा करके Al प्लस 3 बनाए तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 28। तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्मेट हो गए। देखिए ये क्या है 28, ये क्या है 281, ये क्या है 282, ये क्या है 283। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 3। इससे तुलना कीजिए तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा 2, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रख करके 0 रखना है, किससे तुलना कर रहे हैं, एल्युमिनियम से। इसलिए जब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो Al के सराउंडिंग में 1, 2 और 1, 3 डॉट बनाना है, Al प्लस 1 में 2 डॉट बनाना है, Al प्लस 2 में 1 डॉट बनाना है और इसके पास कोई डॉट नहीं है। इसके सिंबल के बगल में देयर इज नो डॉट अराउंड Al प्लस 3 सिंबल। इस तरह से किसी कैटायन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिखता है कि नहीं तुम? क्लास के बाद अब 2 मिनट हमारे से मिलते जाइएगा। अब यही काम एनायन के लिए करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनायन। अब कोई भी एटम है अगर उसमें एन इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो उसका सिंबल एक्स माइनस एन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया यानी जितना नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही डॉट उसके सिंबल के सराउंडिंग में दिखाएंगे, यानी सिंबल के सराउंडिंग में उतने ही डॉट्स दिखाने हैं जितना की डॉट है उसमें। जैसे देखिए, अगर ऑक्सीजन को बदलना है ओ के माइनस में, ऑक्सीजन को बदलना है किसमें, ओ के माइनस में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 2.6 है और ये है 2.7, तो 2.6 वाले को दिखाने के लिए इसके सराउंडिंग में 2, 2, 4 और 2, 6 डॉट दिखाएंगे। लेकिन अगर ये ओ का माइनस 1 है तो क्या करना है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 डॉट दिखाना है। लेकिन अगर इसी में एक और इलेक्ट्रॉन डाल करके ओ माइनस 2 कर दिया गया तो अब ये 2.8 हो गया ना, और जैसे ही 2.8 हो गया तो अब इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2। इस तरह से ये ओ माइनस 2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर एन से एन माइनस 3 बनाना है, एस से एस माइनस 2 बनाना है, तो एक बार हमको कॉपी में दिखाइए कि इन दोनों का जो आयन वाला हिस्सा है
उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? जो एनायन वाले पार्ट हैं, व्हाट विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दोज आयंस? जल्दी से करके हो गया, हो रहा है, मतलब खिचड़ी पका रहा है कि हो रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 2-5 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाइट्रोजन को 1, 2, 3, 4, 1, 5 डॉट बनाए। N-3 में क्या किए? 3 चार्ज बढ़ाए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना हुआ? 8। तो ये हो गया 2, 8। अब इसके सराउंडिंग में पेयर बनाते हुए 2, 4, 6 और 2, 8 ये बनाना है। तो डॉट बना रहा था कि जा करके बेसन वाला पकौड़ा बना रहा था कि बना रहे हैं? समझ जा रही है? ठीक है, अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। 16 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या लिखेगा? 2, 8 और 6। तो 6 को डॉट पहले से था, और S-2 में 2 डॉट और भर गया, तो S में देना है 6 डॉट, मतलब 3 पेयर, और S-2 में देना है 4 पेयर। तो 4 पेयर का मतलब 4 × 2 = 8, मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। और जैसे ही ऑक्टेट पूरा हुआ तो ऑक्टेट रूल के आधार पे वो केमिकली इनर्ट हुआ, यानी अब उसमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। तो डॉट्स के हिसाब से सल्फर वाले में जो डॉट डालेंगे, क्योंकि ये 286 है जो बदल गया है 288 में, तो इसके सराउंडिंग में 2, 2, 4 और 2, 6 डॉट डालना है, और सल्फाइड में इस तरह से 8 डॉट डालना है। ये किसी एनायन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी काम को अगर आयनिक बॉन्ड के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड बनाते समय जो केटायन और एनायन है, जिसके पास जितना जितना डॉट है उस डॉट से उसको इंडिकेट करना है। ओके, अब एक लिखते हैं NaCl और दूसरा लिखते हैं MgO, और ये मानते हुए कि एल्युमिनियम का नाइट्राइड भी आयनिक है, तो ये हम कंपाउंड कौन से लिख रहे हैं? आयनिक। इसके बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसमें Na होता है +1, Cl होता है -1, Mg होता है +2 और O होता है -2, एल्युमिनियम है +3 और N है -3। तो बताइए Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2, 8, 8 हो जाएगा, क्लोरीन का 2, 8 और 8 हो जाएगा, Mg 2 प्लस का 2, 8 हो गया, ऑक्सीजन वाले यानी ऑक्साइड वाले पार्ट का ये भी 2, 8 हो गया, यहां जो एल्युमिनियम का +3 है ये भी 2, 8 है, और नाइट्रोजन का -3 ये भी 2, 8 है। यहां पहला जो दिखाए हैं वो क्या है? Na प्लस, दूसरा जो दिखाए हैं Cl माइनस। तो अगर NaCl के आयनिक बॉन्ड को दिखाना है तो क्या करेंगे? Na प्लस का सिंबल लिखिए, इसके पास कोई भी डॉट नहीं है, और दूसरा जो Cl माइनस है उसमें कुल मिला करके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है NaCl के लिए। वही अगर Mg प्लस 2 लेंगे तो Mg का प्लस 2 हो गया, एनायन वाले पार्ट में O माइनस 2 है, जिसमें कुल मिला के 6, 2, 8 डॉट्स का प्रेजेंस है। यहाँ पे देखिए Al प्लस 3, इस पे कोई डॉट नहीं रहेगा, N माइनस 3 एनायन वाला हिस्सा, जिसमें कुल मिला के 2, 4, 6, 2, 8 डॉट है। अब बताइए डॉट के पेयर को लोन पेयर कहते थे, इसके पास भी 4 लोन पेयर है, के बीच आपस में बॉन्ड हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, एक कैटायन हो गया और एक एनायन हुआ। यहां पर भी कितना लोन पेयर है, ठीक है। ये हुआ आयनिक बॉन्ड को दिखाने का। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का इनिशिएशन ले चुके हैं कि जब एटम के बीच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो म्यूचुअल शेयरिंग वाले पार्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जितने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में कंट्रीब्यूट किया गया है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, कोवेलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। उसमें जो जो शेयर्ड हुआ वो बॉन्ड पेयर का हिस्सा होगा और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर का हिस्सा बनेंगे। उसको नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, ये तुम जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट लिखता है। हाँ, हो गया तो तुम्हारा तो ऐसे भी हुआ पाया। तो देखो तो उसका लिखा पूरा जितना बात बोले हैं। देखिए अगर S2 का बात की, स्टेप वाइज फिर जाते हैं, ये H और H का कॉम्बिनेशन है। एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक एक डॉट दिखाएंगे। अब चूंकि इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस का नाम क्या है, हीलियम, और इसका अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस डुप्लेट को पूरा करने के लिए हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास चाहिए। तो इसलिए उसी कमी को पूरा करने के लिए ये म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं, यानी ये एक हाइड्रोजन का एटम ये ओवरलैप किया दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, और ओवरलैपिंग वाले जोन में ये दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन है राइट वाले हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये जो बीच का सेक्शन है दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, जिसकी संख्या कितनी हो गई, दो हो गया। तो दो दो इलेक्ट्रॉन से कैगो पेयर बनेगा, एक, तो एक पेयर हुआ। और चूंकि इसके पास कोई भी अनबॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका लोन पेयर होगा जीरो। इसमें हमने सीखा कि बॉन्ड पेयर को इंडिकेट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर इंडिकेटेड बाय लाइन सेगमेंट। बॉन्ड पेयर किससे इंडिकेट हुआ, लाइन सेगमेंट से, और लोन पेयर इंडिकेटेड बाय पेयर ऑफ डॉट्स, पेयर ऑफ डॉट्स। तो यही थीम है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हमने N2 का लिखा, N+N 2.5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पांच हुए। तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो 8-5 से 3 हो गया, मतलब ये ट्राइवेलेंट हो गया। तो बॉन्ड बनाने के लिए यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको तीन इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे दिखाइए, ये एन है, ये दूसरा वाला भी एन है, इसका तीन इलेक्ट्रॉन और दूसरे का भी तीन इलेक्ट्रॉन, ये म्यूचुअल शेयरिंग में यूज कर दिए तभी ना तीन बॉन्ड बनेगा। और इसके अलावा तीन इलेक्ट्रॉन जब आप यूज कर चुके हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन पे और बचा हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल पांच इलेक्ट्रॉन थे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन को आपने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड रहेगा। नॉन बॉन्डेड का मतलब वो ओवरलैपिंग रीजियन से बाहर दिखाएंगे,
ओवरलैपिंग रीजन से बाहर दिखा के जहां मन हो दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर डालिए। इस जोन के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये भी आउटसाइड बॉन्डिंग एरिया है, तो ये भी क्या कहलाया? लोन पेयर। और बीच वाला जो है वो, तो बताइए संख्या के हिसाब से बॉन्ड पेयर तीन है कि नहीं, लेकिन दोनों तरफ लोन पेयर की संख्या कितनी कितनी है? वन वन है। इसलिए जब एन टू के मॉलिक्यूल को दिखाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले दो एटम लिखिए एन का, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? तीन, छह, तो छह मिला के कैगो पेयर बनेगा? तीन। तो इसका मतलब इसमें आपको क्या करना है, एन और एन के बीच के स्पेस में तीन गो लाइन सेगमेंट डालेंगे जो इंडिकेट करता है कि इसके पास तीन बॉन्ड पेयर है, और इसके अलावा दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। तो एक एक लोन पेयर के साथ इस तरह से दिखा दिए। तो ये किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया? एन टू के मॉलिक्यूल का, यानी एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर। ठीक है, ये उसको एक हम लिखते हैं NH3। अब अपने पास इसमें दो तरह के एटम है, एक N का और एक H का। नाइट्रोजन वाले हिस्से का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-5 है, यानी इसका सिंबल डालते समय सिंबल के अराउंड में पांच डॉट डालेंगे, और हाइड्रोजन 1 है तो इसका मतलब इसके सराउंडिंग में एक डॉट डाल बनेंगे। अब आप सोचिए कि अगर कोवेलेंसी का बात किए तो नाइट्रोजन को पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवेलेंसी तीन होगी, जो तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और हाइड्रोजन के पास अगर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवेलेंसी कितना मानेंगे? सात होगा कि एक होगा? हाइड्रोजन के बगल का इनर्ट गैस हीलियम है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम को एडॉप्ट करना मतलब डुप्लेट पूरा करना, और डुप्लेट पूरा करना का मतलब क्या हुआ? पहले से एगो है और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? एक। अब आप सोचिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है तीन, यानी नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? तीन बॉन्ड निकालने बनाने हैं, और हाइड्रोजन का कोवेलेंसी है एक, तो हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड बनाना है। तो क्या एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कोवेलेंसी को पूरा कर पाएगा? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी है कितनी? तीन, और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी है कितना? एक। तो एक नाइट्रोजन को टोटल कितना बॉन्ड चाहिए? तीन बॉन्ड चाहिए, और हर एक हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए? एक चाहिए। तो एक नाइट्रोजन को जो तीन बॉन्ड बनाना है, क्या वो एक हाइड्रोजन से पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो स्थिति क्या होगी? देखिए एन का एटम है जिसका एक इलेक्ट्रॉन किसी एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे डुप्लेट पूरा कर लिया, उसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी एक और इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डुप्लेट, और तीसरा हाइड्रोजन भी एक और इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डुप्लेट पूरा कर गया। अब इस प्रोसेस में नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग एरिया में एक लोन पेयर रह गया, नॉन बॉन्डिंग रीजन में उसके पास एक लोन पेयर रह गया। अब बताइए क्या इस फॉर्मेट के हिसाब से हाइड्रोजन ने अपना सिंगल वैलेंसी पूरी की कि नहीं? ठीक है ना, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग या रीजन जो है वो कौन सा है? ये वाला हिस्सा, वो इस हिस्से में दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन। यानी इसके द्वारा हाइड्रोजन की मोनोवेलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के ट्राइवेलेंसी में एक एक वेलेंसी अभी पूरा हुआ है। बाकी दो वेलेंसी को पूरा करने के लिए ये बाकी दो हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ इनवाइट करेगा, और उसका एक इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर एक एक और बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? तीन बॉन्ड का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे?
नॉन, यानी उसके पास एक पेयर लोन पेयर का होगा, एक पेयर किसका होगा। अब लाइन सेगमेंट के कंसेप्ट के आधार पे नाइट्रोजन के लोन पेयर को पेयर ऑफ डॉट्स से और नाइट्रोजन के बॉन्ड को तीन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच करके दिखाएंगे। तो ये आपका NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 यानी इथाइन एंड C6H6 बेंजीन, यानी बेंजीन का और इथाइन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बोलिए कार्बन की कितने वैलेंसी है। कार्बन है 2 4, तो 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के सराउंडिंग में 4 गो डॉट बनाना है। फिलहाल ऐसे बना लिए, दूसरे कार्बन के लिए भी ऐसे ही 4 डॉट बनाएंगे। अब इस कार्बन की कोवेलेंसी को पूरा करने के लिए आपके पास एवरेज में एक एक हाइड्रोजन 2 कार्बन पे है, ये किसी एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड लेफ्ट वाले कार्बन पे और दूसरा बॉन्ड जो है यहाँ राइट वाले कार्बन से बनाना है। अब बताइए कि इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, कार्बन के 2 एटम है, तो यानी अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां का, 3 इलेक्ट्रॉन यहां का और 3 इलेक्ट्रॉन यहां का, ये म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा। ये किसमें इन्वॉल्व हुआ,